Hello and you're watching Claptrap. We're back again and previous video was about wallpapers जो हमने आपको पहले बताया था और साथ में आपको बताया था कि जब भी आप किसी स्टोर पे जाएं स्पेशली जब आप फर्नीचर लेने जाएं या होम डेकोर से रिलेटेड कोई भी आइटम लेने जाएं तो आप थोड़ा सा अपने एंड पे रिसर्च करके जाएं उससे हमारे जो शॉपकीपर्स होते हैं और आपको दोनों को ही काफ़ी फ़ायदा होता है. यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम. वी स्पोक टू अमन जी लास्ट टाइम एंड ही टोल्ड अस अबाउट दिस स्टोर. उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और उनके पास आने वाले व्यूअर्स का ऑब्जर्वेशन भी यही था बेसिकली कि लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे वॉक इन द स्टोर दे डू नॉट रियलाइज दैट दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन ब्राउजिंग अराउंड. इफ़ यू आर कमिंग विद अ वेरी डिसाइसिव माइंड, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वॉल पेपर एंड योर चॉइस इज़ योर एरिया इज़ बेसिकली द लिविंग रूम, देन देर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इट बिकॉज फॉर लिविंग एरिया फॉर ड्राॅइंग रूम वॉल पेपर्स आर डिफरेंट. Likewise, we all of us, whenever we go to buy furniture, make sure the kind of shape you are looking for and the color you are looking for. Go for that particular space, go for that particular area where you want to actually keep that sofa in. Rather than depending and browsing the store, go with the decisive mind. That's what we are trying to help you with. So you develop that skill and dexterity. So you do not get confused, you do not waste time in this store. At the same time, आपका जो पैसा होता है कभी कभी रॉन्ग चॉइस करने में वी लैंड अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी जो घर पे लाने के बाद फर्नीचर या होम डेकोर के आइटम अच्छे नहीं लगते हैं. तो थोड़ा सा रिसर्च अपने एंड से कर लें, इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स. एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रास. वी ऑल लव ग्रीन ग्रास, लेकिन मजबूरी होती है कि हम लोग जो है ग्रास नहीं खरीद पाते फॉर वेरियस रीजंस लाइक मेंटेनेंस. इसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनकी फ्लोरिंग अच्छी नहीं होती, फॉर एग्जांपल बैल्कनीज. तो वो एरिया में अगर आप चाहते हैं कि आप उसको फ्लोर को कवर कर लें तो ग्रीन ग्रास इज़ ए वंडरफुल ऑप्शन जो अलग अलग टाइप के आते हैं. आजकल ग्रास का इस्तेमाल वर्टिकल में भी होता है. तो आइए आज आपको बताते हैं कुछ ग्रास के बारे में, उसके प्राइस कैसे प्लेस करना है. वेरी इजी, एक्सट्रीमली कन्वीनियंट. स्पीक टू अमन जी, वो हमको बताएंगे कैसे यूज़ करना है इसको. लेट्स बिगिन. हेलो अमन जी. हाय अमन जी. वैसे तो हम ऑलरेडी दो वीडियो कर चुके हैं वॉलपेपर्स के ऊपर, फिर भी एक क्विकली बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि स्टोर का नाम क्या है, लोकेशन क्या है. सेम सर, स्टोर का नाम होम डेकोर है, लोकेशन गुड़गांव सिकंदरपुर है, नियर मेट्रो, पिलर नंबर 50, HOAMDECOR. ओके, लास्ट टाइम आपने बताया था हमको. वंडरफुल. आज जो हम बात करेंगे वो ग्रास की बात करेंगे. क्यों ग्रास की बात करेंगे? क्योंकि एवरीबडी लव्स नेचर, लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली वो लोग जो कि छोटे फ्लैट्स में रहते हैं. वो अपनी बैल्कनीज में एक छोटा सा गार्डन क्रिएट करना चाहते हैं. तो ग्रास का बेसिकली यूज़ कैसे आपको लगता है करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे करना चाहिए? ग्रास आप आउटडोर एरियाज में यूज़ कर सकते हैं. देखिए, आजकल जो माली वाला जो सिस्टम है या जो खाद वाला और जो मिट्टी वाली जो ओरिजिनल ग्रास होती है उसको आप टेरिस पे लगाएंगे तो सीलन का डर रहता है जी. फिर उसमें कीड़े मकोड़े दुनिया भर की चीजें, उसको मेंटेन करना, ग्रास खराब हो रही है उसको कटिंग करवाना, तो इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास जी. अगर आप देखें तो आप किसी के पास टाइम ही नहीं है उसको मेंटेन कर पाने का जी. तो बहुत ज्यादा रनिंग है आजकल आर्टिफिशियल ग्रास. आप ये देखिए जी, ये सारा आ जाता है आर्टिफिशियल ग्रास के अंदर. इसमें हमारे पास अलग अलग MMs अवेलेबल है. किसी को कम थिकनेस चाहिए तो 10 mm, किसी को ज्यादा चाहिए 25, उससे ज्यादा 35, 40, 50, 60 mm. अच्छा, अवेलेबल है मेरे पास. ओके, वो आप कैसे जज करते हैं एक बार मुझे बता दीजिए. ये देखिए सर, इसकी डेंसिटी रहती है. अगर अब आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाला जो ग्रास है ये 25 mm के अंदर है. अच्छा, ठीक है, ये 25 mm थिकनेस के अंदर है. ये वाला जो ग्रास है, देखिए थिकनेस बढ़ गई यहाँ पर इसकी जी, इसकी जो हाइट है वो हाइट बढ़ गई 35 mm के अंदर आ जाता है. ओके, अच्छा, वो लेंथ है जो इसके फाइबर से वो थोड़े लेंथ में ज्यादा है, ज्यादा हो गई है. फिर इसी के अंदर आप ये देखेंगे तो ये वाला जो ग्रास है ये आपका 40 mm के अंदर है. अच्छा, तो ये थिकनेस इसकी बढ़ती रहती है. अच्छा, मेरे पास सारा जर्मन का प्रोडक्ट है. किसी को चाइनीज प्रोडक्ट चाहिए तो चाइनीज भी मिल जाएगा. ये विद 5 ईयर वारंटी के साथ है. ओके, वाटर प्रूफ मटेरियल है वैक्स कोटिंग के साथ. ऑलराइट, इन केस दिवाली के टाइम आप इसको टेरिस गार्डन बनाते हैं और कोई रॉकेट या कोई दिया या कोई भी फायर से रिलेटेड चीज पे लग जाती है जी, तो ये आगे आग जो है उसकी वो बढ़ेगी नहीं. अच्छा, सपोज ये माचिस की तिली यहाँ गिरी तो ये जो स्टॉप है वो यहीं हो जाएगा, इससे आगे नहीं पकड़े, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जाएगा. अच्छा, चाइनीज के अंदर वैक्स कोटिंग नहीं होता, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा सा हार्ड रहता है क्योंकि फायर प्रूफ इसके अंदर कंटेन डले होते हैं. ओके, वो वाला एकदम सॉफ्ट रहेगा चाइनीज वाला. उसके अंदर क्या होता है कि जब आग पकड़ते हैं तो एक के बाद दूसरा प्लास्टिक होता है, बढ़ता रहता है. ओके,
इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये मेल्ट होके वहीं रुक जाता है. अच्छा, फायर रेजिस्टेंट जैसा हो गया. हाँ जी हाँ जी, मेल्ट होके वहीं पर रुक जाता है. ठीक है. और सेम वही पानी के लिए पीछे होल्स दिए हुए हैं, जो भी पानी आएगा यहाँ से होल से आगे निकल जाएगा. अच्छा ठीक है. हैवी ड्यूटी मटेरियल है, 5 ईयर की वारंटी के साथ. ऑलराइट. अगर आप इसमें से चाइनीज प्रोडक्ट लेते हैं तो चाइनीज प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाते हैं. अलग अलग रेंज रहती है, अलग अलग क्वालिटी रहती है. अच्छा हाँ जी, तो जैसे कस्टमर की डिमांड है उस तरह की चीजें मेरे पास अवेलेबल है. ओके. अच्छा, अभी हमारा एक वो रैपिड राउंड शुरू होगा जिसमें हम सवाल पूछेंगे आपसे. ओके. एक तो ये है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल जगह भी इस्तेमाल होता है. आपने भी कर रखा है आपके पीछे कि ये अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जहाँ पे वर्टिकल वॉल्स के ऊपर भी ग्रासेस इस्तेमाल होती है. व्हाट इज इट सर? आप आजकल जो ट्रेंड है वॉल को हाईलाइट करने का है. ओके. तो वॉलपेपर लगाते हैं, या कई बार ऐसा होता है किचन का एरिया हो गया. ओके. या किसी का आउटडोर बालकनी का एरिया हो गया. बालकनी का जितना भी एरिया है उसको बाहर से ग्रीनरी दिखे. अच्छा. तो लोग क्या करते हैं, इस तरह से बना. अच्छा. लेते हैं, उसके ऊपर ग्रास लग गई. अच्छा. ऐसे ही वर्टिकल गार्डन्स लग जाते हैं. ओके. तो वर्टिकल गार्डन्स आते हैं, जैसे मैंने ऐसे घर बना रखा है यहाँ पे ब्लाइंड्स लगे, इसके बीच में वर्टिकल गार्डन लगा लीजिए. ओके. तो वो देखने में भी काफी अच्छा लुक देता है. ओके. बहुत ज्यादा ट्रेंड है ग्रीनरी टाइप का. ओके. लोगों के पास टाइम नहीं है ओरिजिनल प्लांट्स और उसको मेंटेन करने के लिए जो टाइम जाता है. इसको आप लगाइए, लगा के छुट्टी लगा दिया, हैंग कर दिया, लुक का लुक आ रहा है. इन फ्यूचर खराब होता है तो दोबारा वो पीस ला करके चेंज कर दिया. राइट राइट. टाइम भी सेव है, मनी भी सेव है और लुक का लुक है. ओके राइट. Once I visited Sunny Deol's office in Sunny Super Sound in Bombay. Okay. I'll share this with you. Achha. They have a beautiful garden. When I was talking to them, I was sitting with Bobby. And on the left hand side, I saw a beautiful garden. I said, after this conversation, I'll go to the garden terrace. Pe jaunga main. So he was sure ki main garden dekh raha hun aur main udhar jaunga. And he asked me, you want to see the garden? I said, yes. तो मैं वहां पे गया था, तो वही चीज आपको बता रहा हूँ कि वहां पे इतनी खूबसूरत एक ग्रीन ग्रास थी एंड ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. उन्होंने रियल प्लांट्स लगाए हुए थे लेकिन ग्रास क्योंकि टेरेस पे था वो, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा एक फेक ग्रास लगा रखी थी नीचे. सो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. यू कैन हैव रियल प्लांट्स एंड यू कैन हैव ग्रास इन प्लेस. आप अगर जैसे शादीज वगैरह अटेंड करते हैं, मैरिजेस वगैरह, तो फार्म हाउस के अंदर एक लाइन लगी होती है एंट्रेंस पे. Right. और वो आर्टिफिशियल ग्रास का पूरा मैट बिछा होता है, राइट और लेफ्ट साइड जो होती है वो रियल ग्रास होती है और बीच में पूरा मैट बिछा. अच्छा, ऐसा भी होता है. ओके, वंडरफुल. करके तब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, ये ग्रास जो है आर्टिफिशियल है, मेरी राइट और लेफ्ट साइड में ओरिजिनल लगा हुआ है. अच्छा ठीक है. तो रैपिड फायर अभी क्विकली और चीज, इसकी लाइफ कितनी होती है, कितने साल चलती है? 5 ईयर की वारंटी है जर्मन की. चाइनीज में कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं. सुबह लेके जाओ, शाम को खराब हो जाए, हमारे पास कोई गारंटी नहीं. ओके, जर्मन में वारंटी है. ठीक है, वारंटी है उसके कलर को लेकर. ऑलराइट. और ये वॉल टू वॉल टच होती है? वॉल टू वॉल टच. बीच में अगर डालना हो तो स्किड का क्या सीन है? ये स्किड होता है, रूम का वेट इतना ज्यादा हैवी है कि ये फिसलता नहीं है. मैं को चेक कर रहा होगा ऐसे. देखिए देखिए, ये एंटी स्किड भी है नीचे. जी जी, स्किड हो ही नहीं सकता. अच्छा, सर, ये स्किड नहीं होगा ना यहाँ से. सपोज ये मेरा स्पेस है पूरा टेरेस और मुझे सिर्फ इतने एरिया में ग्रास लगाना है, मुझे बीच में हाईलाइट करना है ग्रीन स्पेस, वहाँ भी लग सकता है. वहाँ पर भी लग. पेस्टिंग की जरूरत नहीं है? पेस्टिंग की जरूरत है, ये पेस्टिंग होता भी नहीं. अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि इसको गम से पेस्ट किया जाता है तो पेस्ट नहीं हो सकता. अच्छा, ये सिर्फ नेलिंग होता है, नेलिंग होके ही लग सकता है. क्योंकि अगर आप इसके ग्रूव्स देख रहे हैं तो एक लेवल अप एक लेवल डाउन है, लेवल वन और लेवल जीरो. तो लेवल जीरो पे अगर केमिकल चला गया तो सरफेस जो है वो वन पर ही आएगा. तो जो ऊपर उठा हुआ है ये गम को पकड़ ही नहीं सकता. ओके. टेक्निकल चीज ये है. ओके. तो कई लोग पैसे को एक्स्ट्रा लेने के लिए कि फिक्सिंग चार्जेस अलग है और फिक्सिंग में केमिकल लगता है जी, ₹10 पर लेंथ हम उसको फिक्स करने की लेते हैं. तो फिक्स किस चीज के आप ले रहे हो? तो केमिकल तो रुकेगा जब लेवल जीरो लेवल वन है. राइट राइट. जितना भी केमिकल है वो लेवल जीरो पे चला जाता है और वन लेवल फ्लोर पर रह जाता है. तो फ्लोर का जो वन लेवल है उस पे गमिंग ही नहीं है. वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब अच्छा है, मतलब नाउ यू कैन, आप फ्रॉड से बच सकते हैं बेसिकली. देखा जाए ठीक है. और अपने हिसाब से हम लोग रोल को ले जा सकते हैं किसी की? हमें टेक्नीशियन कोई फिक्सिंग या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है. हम अपना आप, मैं अगर मेजरमेंट लेके आऊँ, फॉर एग्जांपल आई हैव अ रूम ऑफ 10x10, तो आप मुझे उतना काट के दे देंगे, मैं खुद से लगा लूंगा. इसका वेट रहता है 6.6 आपको लेना ही लेना है. लंबाई आप जितनी मुझे लंबी ले सकते हैं. तो अगर आपका टोटल एरिया आ रहा है 100 square feet, तो आपको उसमें कुछ ज्वाइंट्स लगवाने पड़ेंगे. ज्वाइंट के हिसाब से वो हो जाते हैं क्योंकि 6.5 feet इसकी चौड़ाई है. ज्वाइंट्स विजिबल होते हैं? ज्वाइंट विजिबल नहीं होता है, मर्ज हो जाते हैं आपस में. अच्छा, अभी देखो ना इसमें सब ज्वाइंट्स में लगा हुआ है. अच्छा, ये ज्वाइंट में लगा हुआ है. ओके, पता नहीं चलता है ये. ओके, लेकिन दोनों एक जैसा लेना चाहिए, जॉइंट में ना दिखाई दे इसके लिए. अगर वो राइट साइड उसकी जो लेंथ है वो डाउन जा रही है, तो आपको दूसरा पीस भी राइट साइड ही बिछाना पड़ेगा. उसको लेफ्ट कर देंगे तो शेड का फर्क आ जाएगा. अच्छा, एक रेशा राइट की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है. अगर आप उसको ऐसे कर देंगे तो राइट और लेफ्ट अप एंड डाउन देखेगा. जैसे एक
पीस इस तरफ जा रहा है और दूसरा अगर आप इसको ऐसे लगा देंगे, अच्छा एक की नेचुरल ग्रोथ इसकी इस जैसे तरफ ये वाला आप देखिए ये इस तरफ जा रहा है और इसको आप ऐसे लगा देंगे तो ज्वाइंट आपको पता लगेगा। हाँ, ठीक है right. और इसका भी अगर आप फेस इस तरफ कर देंगे तो ये अगर इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रहा है तो उतना ही फील कम होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली आई कैन सी दैट, नहीं पता चल रहा है। ठीक है और एक और सवाल, ये चलने से दब जाएगा बिकॉज अभी कुछ जो देख रहे हैं हम वो ऐसे खड़ा रहता है? सर ये सारा ही खड़ा रहता है। अच्छा बट इसके पीछे रीजन ये है, अब आप नेचुरल ग्रास के ऊपर अगर आप ऐसे बैठ जाओगे वेट तो इतना हिस्सा उठोगे तो दबा हुआ ही रहेगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, दोबारा स्टैंड कर सकते हो, दोबारा खड़ा हो जाता है। ठीक है अब फर्नीचर डेकोरेशन सवालों का सिलसिला बहुत लंबा है, अगर फर्नीचर लगाना है हमें, मान लीजिए गार्डन एक्सेसरीज लगानी है, गार्डन के कुछ सोफाज होते हैं, फर्नीचर होते हैं, तो उससे खराब तो नहीं हो जाएगा? नहीं सर, जैसे मर्जी आप इसको यूज करें, रफ एंड टफ यूज करें। पार्किंग एरियाज में मैंने इसको लगा रखा है, वहाँ गाड़ी आ रही है, ब्रेक लग रही है, सबसे बड़ी बात पेरिग्रास के अंदर ये रेशे नहीं निकलते। आप नीचे दिखाइए एक बारी, इसको अगर आप खींचेंगे तो ये एक भी रेशा बाहर नहीं आएगा। अच्छा जैसे मर्जी आप इसको देखिए। ऑलराइट कूल, बहुत ड्यूरेबल है, एंटेंगल्ड है वो एक्चुअली उसके अंदर प्रॉपरली। ठीक है, चाइनीज के अंदर जैसे हमारे बाल उड़ जाते हैं इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। ऑलराइट ठीक है, तो 5 साल की मैं वारंटी दे रहा हूँ तो मेरे को पता है कि भैया ये खराब होने वाला मटेरियल ही नहीं। ऑलराइट तो गार्डन का बॉल्डनेस नहीं होगा? हाँ जीएसटी के ऊपर भी रहेगा सर। अच्छा 12% सॉरी जीएसटी के ऊपर। ऑलराइट तो 12% जीएसटी के साथ इसको ले सकते हैं। ठीक है इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया, अभी आपने खुद ही जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया तो प्राइस की क्या स्क्वायर फीट पड़ जाता है क्विकली बताइए। जर्मन के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो 55 रुपए से स्टार्टिंग है और चाइनीज वाला जो मटेरियल है वो 35 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा ओके, बेस्ट क्वालिटी 95 55 अच्छा जर्मन डिपेंड एमएम के ऊपर। ऑलराइट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो वेरी करता है, बहुत टाइम जाएगा उसमें। जी जी जी, तो 55 से स्टार्ट होता है जर्मन प्रोडक्ट और 25 mm और जो चाइनीज आते हैं 35 से स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट ठीक है, क्योंकि ये खुद फिक्स हो जाता है, किसी तरह की असेंबली की जरूरत नहीं है, तो आप इसको साइज लेकर के आइए, किसी लड़के की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम आपको कट करके दे देते हैं उस हिसाब से, सिर्फ मैट की तरह, कारपेट की तरह, बेडशीट की तरह आपको उसको फ्लोर पर बिछा दे रहे हैं। हाँ, जो लोग बाहर से हैं दिल्ली एनसीआर से, वहाँ पे लड़के भेजने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वहाँ से वो आपको मेजरमेंट दे देंगे तो आप उनको काट के भेज देंगे। राइट, इसकी ऑल इंडिया डिलीवरी कर देंगे ना? हाँ ऑल इंडिया डिलीवरी। चलिए इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और कुछ जानकारी रहेगी तो लोग आपको व्यूज करेंगे, मतलब कमेंट्स करेंगे सेक्शन में, और आप प्लीज उनका रिप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि कुछ कुछ कंफ्यूजन रहता है लोगों को। नहीं कंफ्यूजन जो भी रहता है आप कॉल करिए, कई बार हम कॉल पिक नहीं कर पाते तो कोशिश करिए कि आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज कर दीजिए तो उस पर मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा, क्योंकि काफी सारे कॉल्स होते हैं, अगर मैं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में होता हूँ तो कॉल पिक नहीं कर पाता। ऑलराइट, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, और कई बार मैसेजेस भी लेट होते हैं कि सर मैंने अभी आपको मैसेज किया है और रिप्लाई नहीं आया, तो जितने भी मेरे व्हाट्सएप के मैसेज रात को 8 बजे के बाद ही रिप्लाई होते हैं। राइट राइट, आई कैन इमेजिन, मैंने अभी देखा था आपके 2-3 फोन है सारे साइलेंट पे रखने पड़े हमको। ठीक है, और डू यू हैव अ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जहाँ पे आप पैसे लेते हैं? जितनी भी पेमेंट दोगे, जो भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी डीलर, अगर आप वो चीज देख रहे हैं तो प्लीज आप ये चीज नोट करके रखिए कि पेमेंट में सेविंग अकाउंट में नहीं ले पाऊंगा। हाँ, सब करंट अकाउंट पे आएगा और सबके ऊपर जीएसटी लगेगा। राइट, तो प्लीज वो भाईचारा यहाँ पे मत करिए, अगर सर पेटीएम ले लो और सेविंग अकाउंट ले लीजिए, मेरा ही है, तो प्लीज वो चीज नहीं, आप करंट अकाउंट में पेमेंट करिए, बिल मटेरियल लीजिए जिसमें आपको भी इजी रहेगा और हमारे लिए भी इजी है। ऑलराइट, मैं व्यूअर्स को भी एक बार वार्न कर दूं, कभी कभी बहुत सारे फ्रॉडलेंट से होते हैं, दे कीप ऑन पोस्टिंग रॉन्ग कमेंट्स और आपको उधर डाइवर्ट करके पेमेंट ले लेते हैं सेविंग अकाउंट में, वो मत करिए। ध्यान रखिए, आप कोई भी मेरे से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मैं 2 अकाउंट्स है हमारे पास, एक यस बैंक और एक कोटेक, इसके अलावा कोई मेरे पास तीसरा अकाउंट नहीं है जो करंट में है, और वो HOMDECOR के नाम से ही है, जिसका आप प्लीज ध्यान रखिए, हम पेटीएम वगैरह की पेमेंट्स अवॉइड ही करते, नहीं लेते। राइट राइट, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है, कोई भी कॉल्स आपके पास ऐसा है या कोई भी चीज आए तो प्लीज आप उसको अवॉइड करिएगा, एक कॉल करिएगा, एक वीडियो कॉल करिएगा कि वो जेन्युइन है या नहीं है। राइट राइट, और आपके ओरिजिनल नंबर जो हम फ्लैश करेंगे उसी से वो मैसेज आना चाहिए। हाँ, और वो उसी नंबर में पैसे ट्रांसफर करिए, कोई नंबर नहीं है। राइट राइट ठीक है, प्लेजर टॉकिंग टू यू, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड एंड सेफ नाउ, वंडरफुल टॉकिंग, थैंक यू वेरी मच। ओके।